हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। तो जो हमारी ट्रेन है कालका एक्सप्रेस, अभी 6 बजे आने वाली है, तो उसका वेट कर रहे हैं और कुछ खाने को ढूंढ रहे हैं। कई भोजनालय वगैरह देख लिया वहाँ पे, यहाँ पे है नहीं कुछ, और यहाँ पे जो भोजनालय था वो बंद हो गया है। बाकी वीडियो में बने रहो, एंजॉय करो। रेडी है एकदम, ट्रेन खड़ी है स्टेशन पे और हम लोग बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। सफर चालू हो चुका है हमारा और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। तो गाइस, अभी शिमला चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है कालका रेलवे स्टेशन। व्यू एक नंबर है, लेकिन कटरा का जो भी है रेलवे स्टेशन एक नंबर। फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रेन खड़ी है, ढूंढ रहे हैं हम कालका एक्सप्रेस। और भाई सामान देख रहे हो, V1 आया है, V2 आया अभी, तो मिल गई अपनी शीट। ये खोल दे भाई, ये अपना लगेज। खोलना सीखा है इसको यार, खोलना सीखा। रे बाबा, अभी भी नहीं सीखा रे, अभी भी नहीं खुला रे इनको, अभी तक सीट खोलने नहीं आता यार, क्या करोगे यार। तो बाकी हो गया हमारी सीट, ये हमारी सीट है। कहाँ जा रहे हैं? हम खाना खाएंगे, अभी हम जा रहे हैं कालका। तुमसे ना हो पाएगा, बाकी की डिटेल सोनू ने बता दिया है अभी, क्योंकि ये हमारा गाइड भी है और कैशियर भी है। फ्रेंड्स, अभी हमने कटरा का ये खाना लिया है, हमने कटरा स्टेशन से डोंगे दो ही है। और ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? ये है दाल मखनी। दाल मखनी और ये अचार, और इसमें है रोटियां, मस्त अभी खाएंगे और फिर प्रभु के गुण गाएंगे और अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, टाइम से ट्रेन चल चुकी है और हमारा नेक्स्ट जर्नी चालू हो चुकी है। बाहर का नजारा आप लोग देख सकते हो। अपना दोस्त बैठा है, ये 6 की 6 सीटें हैं। अब सोते हैं भाई, बैठना क्या है, चलो। सोए नहीं है 2 दिन से, तसल्ली से सोएंगे अभी। फ्रेंड, बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, पहाड़ यहाँ पे भी है, पहाड़ वहाँ पे भी हैं। वहाँ थोड़ा बर्फबारी के लिए जा रहे हैं हम, बर्फ देखने के। ये है माता रानी का भवन जहाँ से हम आए हैं। कल से 3 दिन से नींद पूरी नहीं हुई है, तो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 7 बजने वाले हैं और नींद आ रही है इतनी तेज। सुबह हमारी ट्रेन है, 5 बजे उतार देगी, तो भी नींद पूरी करने वाले हैं हम। तो सबको गुड नाइट, मिलते हैं मॉर्निंग में आपको व्यू दिखाता हूँ मस्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अभी हमने चंडीगढ़ पार किया है और अभी मैं सो के उठा हूँ। नेक्स्ट स्टेशन अपना ही है, तो लेके चलते हैं आपको अपनी जर्नी की तरफ। इज राइट नाउ हम सारे उठ चुके हैं और हमारा लगेज बिल्कुल तैयार है, और ट्रेन अभी चेक किया हमने तो लेट है, 1/2 घंटे के आसपास पे लेट है। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं, डिसाइड कर रहे हैं कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी जहाँ जाते हैं आपको बताते हैं। बने रहो वीडियो के साथ और एंजॉय करो। कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते जाओ। सुबह सुबह का मौसम है, ये सेक्सी मौसम हो रखा। और ये हमारी चाय आ चुकी है, ये ले लिया, तो मेरी चाय ये चाय होगी। और सिलेश इसको चाहिए नहीं भाई, उसको चाहिए नहीं। गाइस, अभी हम कालका रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं और यहाँ लगेज लेके भी रहे हैं सेकंड प्लेटफॉर्म पे, जहाँ से हम दूसरी ट्रेन करेंगे और शिमला पहुँचेंगे। लगेज बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये स्टेशन देख सकते हो आप लोग कालका का, ये हमारा लगेज। भाई ठंडी इतनी है, बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ये देख रहे हो कंबल उड़का पैर दौर उड़का। और फिलहाल अभी जा रहे हैं टिकट के लिए, शिमला की टिकट लेनी है। टॉय ट्रेन की मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, मन तो है वैसे टॉय ट्रेन से जाने का। बाकी चलते हैं जल्दी फटाफट टिकट का देखते हैं, टिकट लेते हैं। और हालत ऐसी हो रखी है ना, कल वैसे सोए थोड़े बहुत सोने को मिल गई है, चले इतना है कि मत पूछो, अभी फिर चलना ही है, अभी चल ही रहे। तो अभी फिलहाल स्टेशन पे हैं कालका के, अभी हाथ से देखते हैं कितनी देर में ट्रेन है। वैसे तो हमने देखा तो ये है भोजनालय, यहाँ पे सुविधाएं ऑलमोस्ट सब कुछ हैं ये कालका रेलवे स्टेशन पे खाने पीने की। 6 बजे की ट्रेन थी हमारी टॉय ट्रेन, बट वहाँ पे टिकट नहीं है अवेलेबल, टिकट फुल हो चुकी है। और 12 बजे की ट्रेन है अभी फिलहाल टॉय ट्रेन, तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो 12 बजे की टिकट कराए कि नहीं कराए कन्फर्म कर रहे हैं फिलहाल, फिर उसके बाद बताते हैं आपको कौन सी टिकट ली है हमने। और 12 बजे तक लेकिन इंतज़ार करना पड़ेगा, टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, तो भी फिलहाल मतलब कि हमें इंतज़ार करना है अप्रोक्स
6 घंटे हुआ, 6 घंटे या 6.5 घंटे के आसपास में इंतजार करना पड़ेगा। बाकी यहाँ का लोकेशन देख सकते हो आप लोग बाहर, अभी भी मतलब 6 बजे भी मार्केट अभी थोड़ी खुली हुई है फ्रॉक्स। अलग 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 ट्रेन है बट जो मेन ट्रेन है टॉय ट्रेन ही है। ये पहुंच गए हम कालका, फिर टॉय ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। टॉय ट्रेन की साइड में ये खड़ी 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे टॉय ट्रेन, तो अभी टॉय ट्रेन की तरफ जा रहे हैं बट टिकट मिली नहीं है हमें। देख रहे हैं सीट मिल जाए तो बहुत बढ़िया, टीटी से बात कर लेते हैं। कालका शिमला रेलवे में आपका स्वागत है। देन ये सब अब चलते चलो का। ये है टॉय ट्रेन जो खड़ी है हमारे बगल में, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है टॉय ट्रेन फुल एसी। अरे इधर भी है, इधर भी है, वो सेकंड ग्रेड है शायद, नहीं सेम ही तो है। ये अभी जा रही है, ये 26 पे जाएगी, इसकी टिकट थी वो। अच्छा 6 पे ये खड़ी है, ये फुल है। ये आप लोग देख सकते हो ये ट्रेन फुल है, ये जा रही है अभी। डर गया मैं तो अभी ट्रेन की आवाज सुन के, इंजन है टॉय ट्रेन है। गाइस टॉय ट्रेन के अंदर जा रहे हैं हम, ये टॉय ट्रेन का अंदर का पार्ट है और ये वॉशरूम है, लेटरिंग बाथरूम, उसके अंदर एक कैबिन होता है और ये कैबिन है और ये पूरे कैबिन का पार्ट है अंदर। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये फड़ाई और दोस्त, बाकी यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो, पूरा कैबिन है। अभी तो हमें मिली नहीं है टिकट फिलहाल, और फिलहाल हमने सीख लिया है टिकट तो मिली नहीं थी, फिर जनरल का डब्बा पता चला कि हमें जनरल का डब्बा भी होता है इसके अंदर, तो अभी हम जनरल के डब्बे में जाने वाले हैं और जनरल की टिकट लेंगे और इसके अंदर अब घूमने जाएंगे शिमला। देख सकते हो ये पूरा जनरल डब्बा है और अभी हम किसी में भी घुसने वाले हैं। फ्रेंड्स अभी हम जनरल डब्बे में बैठे हुए हैं और टिकट हमें मिली नहीं थी, और टिकट करने के लिए मेरे दो दोस्त गए हुए हैं पता करने के लिए क्या प्राइस लगने वाला है टिकट का, तो मैं बताता हूँ अगले पार्ट में। और इस टॉय ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, 6 बंदे हैं, 6 बैठ चुके हैं, अपनी मिशन जगह पहले से बुक कर रखी है और ये ट्रेन जाने वाली है 8 बजे 8:30 बजे के आसपास में चालू हो जाएगी। तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी नींद आके पूरी करके आए हैं और फुल इंजॉयमेंट इस ट्रेन में। आप देख सकते हो इधर आसपास की एरिया कितना बढ़िया है, ट्रेन देख सकते हो कितना बड़ा है। ये कालका से नई दिल्ली जा रही है, वापस चले दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए ये ट्रेन पकड़नी है अपने को और सीधे चले जाना है। और इसमें कितने डब्बे हैं? डब्बा का गिल्ले भाई पता नहीं है, बस वो जा रही है दिल्ली वाली ट्रेन।